बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक किडनी पेशेंट, कई लोग किडनी के लिए इलाज के लिए अपने हॉस्पिटल जाते और ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे खसाया निकल रहे, हालांकि काफ़ी पढ़ा लिखा है इन्हें और इसके पीछे कौन कौन है। पुलिस के हाथ को लगा, किडनी जो है बेच रहा था इन्हें, इसको अरेस्ट किया गया और उसके पीछे कौन कौन है उसकी जानकारी हो रही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भरत भूषण एसआई, ये लोग सब इनका टीम मिलकर आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करें। इसमें षणमुख पवन श्रीनिवास का नाम का एक आदमी को अरेस्ट करें आज। ये आदमी वनस्थलीपुरम का रेसिडेंट है और नेटिव ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये कम से कम एक 30 केसेस किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में ये इन्वॉल्व हुआ है और ये किडनी रैकेट का एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। ये रैकेट में ये मिडिल मैन है, मतलब ये किंग पिन है और ये मिडिल मैन। ये एक डोनर को आइडेंटिफाई करता है और एक रिसिपियंट, मतलब जिसको किडनी चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये एक डील सेट करके एक डॉक्टर को एक हॉस्पिटल में उसको ले जाके वहाँ पे इनका ऑपरेशन करा के वहाँ से वो जितना भी इसमें डॉक्टर को देना है पैसा दे के बाद में जितना पैसा बचता है इसमें खूब 1 करोड़ तक ये पैसा कमाया है अभी तक। तो ये सारा पैसा इसमें जो आदमी ये कमाए पूरा कोलंबो में कम से कम एक 7 ऑपरेशन वहाँ कोलंबो में किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो जो डोनर्स है और रेसिपियंट वो दोनों को मिला के वहाँ पे ले जाके उसको वहाँ पे ऑपरेट करा के वहाँ पे 4 हॉस्पिटल है कोलंबो के वहाँ पे ऑपरेशन कराने के बाद ये इस तरह का रैकेट को शुरू करके कम से कम 30 केसेस में इन्वॉल्व है किडनी रैकेट। पूरे इंडिया के केसेस अपने हैदराबाद 30 केसेस पूरे, ज़्यादातर कम्बाइंड आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा, ये 2 रीजन्स के ज़्यादा है इसमें। ये थोड़े दिन बैंगलोर में भी रहा, अभी वेरीफाई करना, कहीं बैंगलोर में भी किया गया। अभी जो इमीडिएट कंप्लेंट है 2019 में भारती उनका नाम एक औरत कंप्लेंट करी कि उसका हस्बैंड के पास ये 34 लाख लेने के बाद वो प्रॉमिस किया कि उसका किडनी किसी डोनर का डोनेट करा के फिर टर्की को ले जाके वहाँ पर ऑपरेट कराने का वो उसने प्लान करके 34 लाख सुन करने से लेके फिर वहाँ से फरार हो गया। 2019 में बाद सबसे अपस्टॉन्डिंग है उसको आज बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन एलबी नगर के एरिया में इन्हें पकड़ा गया और उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो।